रिवर दिख रही है, आधी इंडिया में है आधी म्यांमार में है, ऐसा ही वो ब्रिज आधा इंडिया में है आधा म्यांमार में है। इंडिया का सिर्फ ये एक इकलौता बॉर्डर है जो इंडियंस को दूसरी कंट्री से कनेक्ट करता है, क्योंकि पाकिस्तान हम जा नहीं सकते, चाइना उधर से हम जा नहीं सकते, तो सिर्फ एक यही ब्रिज या ये बॉर्डर है जिसके थ्रू हम म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड होते हुए किसी भी कंट्री से कनेक्ट हो सकते हैं। शुरुआत आज गुरुद्वारे से, अभी अभी अरदास हुई है और लंगर स्टार्ट हो चुका है मोरे में। तो आज का लंगर मोरे गुरुद्वारे में राइस, पकौड़े, अचार और चाय। तो पहले लंगर छकते हैं और फिर चलते हैं बॉर्डर की तरफ। मोरे गुरुद्वारे से लंगर करके मैं पहुंच गया हूं बॉर्डर पे, इंडिया और म्यांमार बॉर्डर पे पहुंच गया हूं। अभी जब गुरुद्वारे से मैं इस बॉर्डर पे आ रहा था तो बीच में आर्मी की अपनी चेक पोस्ट थी, तो वहां से मैंने परमिशन ली, तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा और आगे जाइए, वहां पर अपना इंडिया का कस्टम और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, वहां जाके परमिशन लीजिए, परमिशन मिलती है तो आप वहां व्लॉग शूट कर सकते हैं। तो परमिशन मिल गई, ये देखिए अपना वेलकम गेट, इमिग्रेशन गेट और कस्टम गेट है इंडिया की साइड से। ये अपना तिरंगा, भारत की आन बान शान, और ये है वो ब्रिज, ये दिख रहा है जो आधा इंडिया में है आधा म्यांमार में है, और यही एक लोता गेट है जो इंडिया से दूसरी कंट्री में हमें कनेक्ट करता है। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं या जितना भी कस्टम से इधर उधर माल आता जाता है बाय रोड, वो इसी ब्रिज से आता है, और कोई कनेक्टिविटी नहीं है म्यांमार जाने के लिए। और ये नीचे आपको देखिए रिवर दिख रही है, आधी इंडिया में है आधी म्यांमार में है, ऐसा ही वो ब्रिज आधा इंडिया में है आधा म्यांमार में है। म्यांमार की साइड से येलो कलर उस पर हुआ हुआ ब्रिज, आधे ब्रिज पे, और इंडिया की साइड से वाइट कलर का पेंट किया हुआ है। और सामने झाड़ियों के बीच में दिख रहा होगा आपको, वो म्यांमार का इमिग्रेशन कस्टम डिपार्टमेंट है। और ये देखिए ये रोड दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा शायद, तो वो है वेलकम गेट ऑफ म्यांमार, वो म्यांमार का गेट है, ये अपना इंडिया का गेट है, और बीच में सिर्फ ये एक रिवर है जो इंडिया और म्यांमार के बीच में आती है, और वो है मेन ब्रिज। इंडिया का सिर्फ ये एक इकलौता बॉर्डर है जो इंडियंस को दूसरी कंट्री से कनेक्ट करता है, क्योंकि पाकिस्तान हम जा नहीं सकते, चाइना उधर से हम जा नहीं सकते, तो सिर्फ एक यही ब्रिज या ये बॉर्डर है जिसके थ्रू हम म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड होते हुए किसी भी कंट्री से कनेक्ट हो सकते हैं। बट नाउ डेज म्यांमार में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं जिसके कारण ये बॉर्डर बंद है। ब्रिज के इस तरफ इंडियन आर्मी ने ताला लगा दिया, उस तरफ म्यांमार आर्मी ने ताला लगाया हुआ है, और अंदर इनके पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं जिस वजह से बॉर्डर पे वीज़ा इशू नहीं हो पा रहा। आई होप कि जल्दी से जल्दी ये वीज़ा शुरू हो जाए, क्योंकि मैं इतनी दूर दिल्ली से इतनी दूर यहाँ पर आया और बॉर्डर मिला बंद, तो आई होप मेरी तरह आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ ना हो, आप लोग जब भी यहाँ विज़िट करें तो आपको ईज़िली ये बॉर्डर क्रॉस होने को मिले, जो कि मुझे नहीं मिला। कोई बात नहीं, इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए, आगे भी जाएंगे। तो ये गेट है अपना इंडिया कस्टम और इमिग्रेशन बाय लैंड, यहीं से लोग क्रॉस करते हैं, यहीं से इमिग्रेशन में आते हैं और अपने वीज़ा इश्यूज करवाते हैं और निकल जाते हैं दूसरे देश में। तो ये मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं, ये है अपना इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इंडिया की साइड से म्यांमार की तरफ जाने के लिए। चलिए, म्यांमार तो जा नहीं सकते पर इधर तक आने में ही खुशी है। अब आपको दिखाता हूँ ब्रिज जो इंडिया और म्यांमार को आपस में कनेक्ट करता है, जिससे पहले रोज़ आवाजाही होती थी, आना जाना लगा रहता था इधर से उधर, उधर से इधर, तो उस ब्रिज को दिखाता हूँ अभी आपको मैं।
ये सामने वाला म्यांमार इमिग्रेशन है और ये चेक पोस्ट है उनकी। देखिए लोग इलीगल भी चले जाते हैं, इधर से नीचे उतरे, उधर से गए, उधर से इधर आए, इधर आ गए। और ये ब्रिज है, हाफ में येलो पेंट हुआ है और लेफ्ट में इंडिया की तरफ वाइट पेंट हो रखा है। बोलो चलो बजा बजा। ये है वो ब्रिज जो इंडिया को म्यांमार से कनेक्ट करता है और म्यांमार को इंडिया से करता है। ब्रो वेलकम टू इंडियन म्यांमार फ्रेंडशिप रोड। ये है वेलकम टू इंडियन म्यांमार फ्रेंडशिप रोड। और ये है वो ब्रिज, इंडिया की तरफ से भी ताला लगा हुआ है और इसी रोड से रोज आवाजाही होती थी। और म्यांमार की साइड से भी ताला लगा हुआ है। और ये एक ही रोड है जिससे छोटे छोटे यूट्यूबर भी बड़े यूट्यूबर बन गए। अभी फ़िलहाल के लिए कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ ताला लगा हुआ है, बस दूर से देख सकते हैं म्यांमार को। और इस रिवर में लोग नहा रहे हैं, अब पता नहीं है उस साइड गए हैं, इस साइड गए हैं, कुछ नहीं कह सकते, पर फुल मज़े कर रहे हैं। बारिश का मौसम हो गया, मणिपुर की पहली बारिश बॉर्डर पर। तो दूर से ब्रिज को बाय बाय कर देते हैं, जहाँ तो पानी रहे, मौका मिला दोबारा फिर आएंगे। ग्रीन रेड और ये सारे जो घर हैं सारे म्यांमार के हैं, दूर से देख सकते हैं पर जा नहीं सकते। इलीगल तरीके से लोग उधर से इधर आ भी रहे होंगे इस रिवर को क्रॉस करते हुए, बट अपन को जाना है लीगल तरीके से, लीगल तरीके से घूमना है पूरा वर्ल्ड। कुछ नहीं हो सकता, चलते हैं वापस मणिपुर इम्फाल सिटी और फिर वहाँ से अपनी यात्रा को किसी और तरफ घुमाते हैं। बॉर्डर से तो वापस जा रहे हैं, चलते हैं उस पार। आर्मी ऑफिसर जो सर थे उन्होंने बताया कि जब ये ब्रिज पे आवाजाही थी ना, आना जाना लगा रहता था, तो उस टाइम क्या होता था, जो उधर के व्हीकल हैं, हम लोग यहाँ लेफ्ट में चलते हैं तो वो चलते हैं राइट में, हमारे स्टेयरिंग यहाँ पर होते हैं राइट में, उनके होते हैं लेफ्ट में। तो जब ये ब्रिज खुल जाता है तो बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है, हमारे लोग लेफ्ट में जा रहे होते हैं और वो उधर से अपने राइट में और हमारे लेफ्ट में होते हैं, तो कई बार बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। हमारे लेफ्ट वाले उनके राइट में घुस जाते हैं, उनके राइट वाले हमारे लेफ्ट में आ जाते हैं, तो इस बॉर्डर पर ये दिक्कत रहती है। और बर्मा की जो स्कूटीज बाइक हैं वो मोरे में चल रही हैं और पूरे इंडिया में कहीं नहीं दिखेंगी आपको। तो अभी वापस आ गया हूँ अपने गुरुद्वारे की तरफ और गुरुद्वारे से इम्फाल के लिए निकलूँगा, पैकिंग करता हूँ, पैकिंग करके फिर चलते हैं इम्फाल। लगेज कर लिया पैक और अब चलते हैं इम्फाल सिटी की तरफ, देखते हैं कोई लिफ्ट मिलती है। अभी नहीं मिलती, टाइम ज़्यादा हो गया, क्योंकि आई होप मिल ही जाएगी, वाहेगुरु का हाथ सिर पे है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यार गुरुद्वारे से निकल कर बाहर आया था हिचहाइकिंग के लिए, तो एक बस खड़ी थी, उन बस में ये सब लोग सर थे। और सर आप लोग आए थे इम्फाल से मोरे की तरफ, है ना? इम्फाल से आया
इम्फाल से आए थे रिजर्व बस करके, रिजर्व करके, और कल आप लोग आए थे और आज वापस जा रहे हो? आज ही आया था, अच्छा आज सुबह आए थे, आज ही जा रहा हूँ। तो सर लोग आज सुबह आए थे और आज ही वापस जा रहे हैं। इत्तफाक से हमें सर की बस दिख गई, अंदर आए तो गाड़ी रिजर्व थी, फिर भी सर ने और सब लोगों ने बोला कि आप अंदर आ जाइए, इम्फाल आपको ये बस छोड़ देगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, वी आर वेलकम, थैंक यू सो मच। तो अब मोरे से डायरेक्ट बस में जाएंगे हम इम्फाल। अभी चेक पोस्ट पर रुके हुए हैं, सिक्योरिटी चेक हो रहा है, सिक्योरिटी चेक पास हो जाएगा, बस वापस इधर आएगी, लगेज चेक हो रहे हैं और फिर हम जाएंगे टूवर्ड्स ऑन इम्फाल। तो सिक्योरिटी चेक हो गए, ये बस आ गई है हमारी, अब सब लोगों के साथ चले जाएंगे। तो मोहरे से भी अपनी चेकिंग हो गई है रिजर्व बस में इम्फाल तक। ये है जी सीट मेरी लास्ट में। ये बस में सिक्योरिटी चेक हुआ है क्योंकि म्यांमार बॉर्डर से इलीगल कुछ चीज ना आए, तो आर्मी ने चेकिंग किया है, अच्छी बात है। बाय बाय, काइनर आछे बाय बाय, ओके भैया काइनर आछे, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये बस खड़ी है जिन्होंने मुझे ड्रॉप किया यहाँ पे, बहुत ही अच्छे लोग थे। तो इम्फाल से मोरे जाना और मोरे से वापस आना विदाउट मनी, तो अब चलते हैं गुरुद्वारे। तो इम्फाल गुरुद्वारे वापस आ गया हूँ, चलो चलते हैं जी अंदर। वापस गुरुद्वारे आ गया हूँ, चाय का लंगर करते हैं, चाय नमक पारे, चाय का लंगर करके वापस रूम में आ गया हूँ, जिस रूम में मैं पहले रुका था इम्फाल सिटी के गुरुद्वारे में। तो गुरुद्वारे में आया, सेम रूम मुझे मिला, चाय का लंगर कर लिया। और गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।